हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया ने जीता कांस्य पदक। जी हां, अपने ओलंपिक पदार्पण पर भारत के बजरंग पूनिया ने शनिवार को पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम फाइनल में कजाकिस्तान के दौलेत नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। बजरंग ने कुश्ती में भारत को दूसरा मेडल दिलाया है। उनसे पहले रवि दहिया ने फाइनल तक का सफर तय करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पीएम मोदी ने कहा, कोविड-19 महामारी के दौरान 80 करोड़ भारतीयों को मिला मुफ्त राशन। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मुहैया कराया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मध्य प्रदेश के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने की अपनी रणनीति में गरीबों को पहली प्राथमिकता दी। सीएम योगी ने कहा, बेलगाम घोड़ा है सोशल मीडिया, इससे नियंत्रित करने के लिए तैयारी बहुत जरूरी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी व सोशल मीडिया सेल के कार्यक्रम में कहा कि सोशल मीडिया पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आप सतर्क नहीं रहते हैं तो आप मीडिया ट्रायल का मुद्दा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उस प्रकार का प्रशिक्षण और तैयारी बहुत आवश्यक है। डेल्टा वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर अमेज़न ने अपने कर्मचारियों से फिर से मास्क पहनने को कहा। जी हां, अमेज़न ने अमेरिका में अपने वेयर हाउस कर्मचारियों से कहा है कि वे फिर से काम पर आते वक्त मास्क पहने, क्योंकि देश में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना मास्क अब अनिवार्य है। अमेज़न ने कहा कि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए हमें टीकाकरण की स्थिति की परवाह किए बिना घर के अंदर फेस कवरिंग की आवश्यकता है। गोल्फर अदिति अशोक से पीएम मोदी बोले, आपके कौशल और संकल्प को सलाम। जी हां, गोल्फर अदिति अशोक मेडल भले ही न जीत पाई हो, लेकिन वो किसी भी भारतीय गोल्फर से आगे निकली। उनकी सराहना में पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अच्छा खेला अदिति अशोक, आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान जबरदस्त कौशल और संकल्प दिखाया है। आप बहुत कम अंतर से पदक जीतने से चूक गई, लेकिन आप किसी भी भारतीय से कहीं आगे निकल गई हैं। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। आंसुओं से फैल सकता है कोविड-19 संक्रमण, ये लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। जी हां, सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर के एक अध्ययन के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंसुओं से भी संक्रमण फैल सकता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऐसे 20 से अधिक मरीज मिले हैं जिनके आंसुओं से कोरोना वायरस मिला है। अगर किसी के आंखों में ज़्यादा लालीपन, जलन या खुजली हो तो तत्काल नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद किया लॉन्च। जी हां, भारतीय रेलवे ने एकीकृत वन स्टॉप समाधान रेल मदद लॉन्च किया है, जिसमें राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने कई मौजूदा हेल्पलाइनों को एक में विलय कर दिया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि टोल फ्री नंबर 139 का इस्तेमाल सभी प्रकार की पूछताछ और शिकायत करने के लिए किया जा सकता है। हेल्पलाइन सुविधा 24 घंटे 12 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वैक्सीन को मिली भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी। जी हां, अमेरिकी दवा निर्माता जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को भारत ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण यानी EUA प्रदान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक ट्वीट में कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की एकल खुराक कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब भारत के पास 5 EUA टीके हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।